अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमित अब्बास खान और आप इस वक्त देख रहे हैं एक नजटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में और तो कुछ खास नहीं है, बस एक मौजू पे स्पेशली वीडियो में बनाने आया हूं और वो है एक यूट्यूब चैनल के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, इस्लामिक नज़रियात के रिलेटेड एक वीडियोज़ आती थी डॉक्टर इसरार अहमद यूट्यूब चैनल से, जिनके माशाल्लाह से 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए थे और हज़ारों वीडियोज़ थी, कोई 3900 के करीब उनकी वीडियोज़ थी। और उनके चैनल पे लगभग टोटल व्यूज़ अगर आप देखें तो तकरीबन 350 मिलियन से ऊपर तक के व्यूज़ थे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना बड़ा चैनल था और इस्लामिक नज़रियात की मदद से उससे लोग कितने मुस्तफ़ीद होते थे। तो आज हमें ये खबर मिली है कि तंजीम इस्लामी जो IT डिपार्टमेंट है, उन्होंने कन्फर्म किया इस न्यूज़ को कि जो डॉक्टर इसरार अहमद यूट्यूब चैनल था वो टर्मिनेट हो गया है यूट्यूब की तरफ से। और हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, मुझे ये ख़ुद एज़ ए मुस्लिम बहुत ज़्यादा चीज़ ये महसूस हुई है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई वजूहत होती भी हैं तो बंदा वो पर्सनल में उनको जाके मेल कर देता है, कोई वजूहत होती हैं, चलो ये यूट्यूब का अपना इशू है, लेकिन फिर भी उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि इस्लामिक नज़रियात के रिलेटेड ये बहुत अच्छा चैनल था। तो अगर आप लोगों को अब तक कन्फर्म नहीं है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि भाई आप यूट्यूब पर सर्च करें डॉक्टर इसरार अहमद, तो आपको ये उनके ये जो सर्च होती थी ये तो सामने आ रहा है, लेकिन उनके नाम कभी कोई भी यूट्यूब चैनल शो नहीं हो रहा। उनकी जो दूसरे लोगों ने जो वीडियोस लगाई थी वो शो, इसरार अहमद के नाम की अभी जो उनका ओरिजिनल चैनल था वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा हमें, क्योंकि वो चैनल यहाँ पे अभी यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया है, उसको डिलीट कर दिया है। उनका यूट्यूब चैनल अभी तक टर्मिनेट हो चुका है। तो अभी आप लोगों को उसके रिलेटेड अभी जो भी न्यूज़ मिलेंगी, अभी न्यूज़ आने शुरू हो जाएंगी, तो अभी उसका क्योंकि इस्लामिक चैनल था तो इस्लामिक नज़रियात के रिलेटेड हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी पोस्ट की होगी जो कि यूट्यूब समझता होगा कि ये नहीं होनी चाहिए, या हो सकता है वो किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ होगी, यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी बना दी होगी। लेकिन फिर भी इस्लाम एक बहुत बड़ा इस्लामिक बहुत ही अहम मज़हब है और इसके ख़िलाफ़ अगर कोई प्रोपीगंडा हुआ है तो फिर ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि हम इस्लाम मेरा दीन है तो यही मेरा सब कुछ है। तो इसलिए आप अपने दीन की हिफाजत करें। अगर इस डॉक्टर इसरार अहमद यूट्यूब चैनल पर अगर ऐसी वैसी वीडियो अपलोड हुई भी है तो वीडियो को डिलीट करते ना, ये तो कोई बात नहीं हुई कि उन्होंने बस पूरा चैनल टर्मिनेट कर दिया है। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी है और दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह उनको चैनल दोबारा से रिकवर हो जाए, उनको चैनल दोबारा से वापस कर दें, क्योंकि इससे अभी हमारा बहुत ज़्यादा यूट्यूब से दिल टूट रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है। अभी एक यूट्यूब चैनल जो पूरे मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उनके उस पर बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बयान होते थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी बयान आते थे उस यूट्यूब चैनल पे, हमारे नॉलेज के रिलेटेड जो हम नॉलेज नहीं होता था उसके रिलेटेड इस्लामिक आर्टिकल्स वो करते थे, उस पर वीडियोज़ लगाते थे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ वो देते थे। तो वो बहुत ज़्यादा अभी डिलीट हो गया है, तो अभी वो हमें मिलने को नहीं आएंगी। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी वो चैनल नहीं है तो आप अभी दावत इस्लामिक रिलेटेड कोई भी दूसरे इस्लामिक चैनल्स को आप देखते रहें, पर इस्लाम को मत छोड़ें। इस्लाम बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कि हमारा अपना दीन है और इस्लाम वैसे भी जो है तमाम दुनिया के लिए, अगर मुसलमान कोई नहीं भी है, कोई गैर मुस्लिम भी है, तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, जो कि इस्लाम की जो बातें हैं अगर उन पर अमल करते हैं तो वो लोग भी फ़ायदे उठाते हैं। लेकिन हमें तो उस फ़ायदे की गर्ज़ नहीं होती, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, हमें तो बस अपने अल्लाह की फ़िक्र होती है और हम तो बस अपनी आखरत की फ़िक्र का सोचते हैं। तो आप लोग तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस डॉक्टर इसरार अहमद यूट्यूब चैनल के लिए अगर आप कुछ भी कर सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए, अगर आप यूट्यूबर हैं, आप एक टेक यूट्यूबर हैं, आपका कोई कॉन्टैक्ट होता है मेल्स के थ्रू, जैसे टेक्निकल तनवीर असकर भाई हैं वो करते रहते हैं, उनका मेल्स होती हैं, अगर वो भी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तनवीर असकर भाई से भी कि वो भी यूट्यूब को मेल करें, और जो इस चैनल को मैनेज कर रहे थे वो भी यूट्यूब को मेल करें और उनके से बस एक रिक्वेस्ट ही करें कि इस चैनल को ओपन करें, क्योंकि ये इस्लामिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चैनल था और इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। तो आज की वीडियो बस इतना ही था। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर न्यू आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। थैंक यू वेरी मच।